हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं उदारवाद के विषय में कि उदारवाद क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसका उदय कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, उदारवाद के कितने पक्ष हैं, उदारवाद क्या व्यक्तिवाद है या व्यक्तिवाद ही उदारवाद है, दोनों में समानताएं क्या है, दोनों में असमानताएं क्या हैं, इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और एक एक बिंदु पर बड़े ही बारीकी से आपको समझाते हुए हम चलेंगे। बस फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल साइंस से अच्छे कॉन्टेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी नेट 11 की तैयारी के लिए बेहतर हो सकते हैं। और ये वीडियो घर बैठे क्लासरूम के लेक्चर जैसा अनुभव कराते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उदारवाद के विषय में। उदारवाद से पहले व्यक्तिवाद नामक टॉपिक पर हमारा ये वीडियो आ चुका है और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो कोई बात नहीं, यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद तब इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उदारवाद को देखिए फ्रेंड्स। उदारवाद जो है वो व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है। क्या है? व्यक्ति केंद्रित विचारधारा। जो विचारधारा व्यक्ति केंद्रित होती है वो व्यक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है, व्यक्ति को साध्य मानती है। व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध होगा इसी के आधार पर विचारधाराएं बनी होती हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा कि राज्य महत्वपूर्ण होगा। जो विचारधारा व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है वो व्यक्ति केंद्रित विचारधारा होती है। तो उदारवाद भी क्या है? उदारवाद एक व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है, यह व्यक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, राज्य को नहीं। पहली चीज, अगर हम आप इसके शाब्दिक दृष्टि से देखें कि उदारवाद का मतलब होता क्या है, तो आप इस शब्द को देखिए पहले, क्योंकि शब्द जो है वो बोलता है। उदारवाद को अंग्रेजी में हम कहते हैं लिबरलिज्म। उदारवाद को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लिबरलिज्म, लिज्म। और यह लिबरलिज्म जो है वो लैटिन भाषा के लिवर शब्द से बना है और लिवर का जो अर्थ होता है वो होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब यही जो है उदारवाद का मूल है। उदारवाद क्या है? उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है कि व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। अगर कहा जाए उदारवाद का मूल क्या है, तो उदारवाद का मूल जो है स्वतंत्रता होती है। तो शाब्दिक दृष्टि से आप क्या देखेंगे, तो उदारवाद ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। यह उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण स्वीकार करती है। मैंने कहा, कई बार बताया, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन कौन है यह आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था। उत्पादन के साधन वे होते हैं जहां से कोई चीज प्रोडक्ट होती है, कल कारखाने, फैक्ट्री, भूमि, जहां से चीजें बनती हैं, जहां से चीजें निकलती हैं, भूमि से अनाज पैदा होता है, ये उत्पादन के साधन है। तो उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण हो, व्यक्ति का हो कि राज्य का हो? तो उदारवाद ये कहता है कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो उदारवाद क्या है, आप शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती है और उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण स्वीकार करता है। आगे, उदारवाद का उदय, उदारवाद का उदय फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी में होता है। कहां होता है? यूरोप में होता है। यूरोप में भी कहां? इंग्लैंड में होता है। और उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है, जॉन लॉक। उदारवाद का उदय 17वीं शताब्दी में होता है, यूरोप में होता है, यूरोप मतलब इंग्लैंड में होता है, और
इसके जनक कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक माने जाते हैं। और इंग्लैंड को उदारवाद का घर कहते हैं, इसको कहते हैं उदारवाद का घर। अब यहाँ से दो क्वेश्चन जो है आपका उठता है, जो आपके बेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि इंग्लैंड को उदारवाद का घर क्यों कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका सिंपल सा उत्तर होगा कि इंग्लैंड को उदारवाद का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। और अगला प्रश्न यह है कि लॉक को उदारवाद का जनक क्यों माना जाता है, तो इसका उत्तर अभी आगे के लेक्चर में हम आपको देंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उदारवाद की उत्पन्न कैसे हुआ, इसकी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझे रहेंगे तब तक आपको विचारधारा समझ में नहीं आएगी। तो इसके उदय के पीछे क्या बैकग्राउंड था, इसके उदय के पीछे क्या किन किन कारणों की भूमिका थी, इस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उदारवाद के उदय में यूरोप की 2-3 क्रांतियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन से? पुनर्जागरण, व धर्म सुधार आंदोलन, और दूसरा 16वीं और 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, तो फ्रेंड्स उदारवाद जो है वो आधुनिक युग की विचारधारा है। आधुनिक युग से पहले जो है मध्यकाल चल रहा था, और मध्यकाल में यूरोपीय समाज जो था वो रूढ़ियों अंधविश्वासों की बीड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय समाज में पोप और सामंतों का वर्चस्व था, सामंतवादी व्यवस्था थी, लोगों के ऊपर जो है पोप का नियंत्रण होता था। धर्म क्या है, कैसे करना है, लोगों को धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करना है, समाज में किस तरह से रहना है, ये सारे नियम जो है पोप डिसाइड करता था, चर्च डिसाइड करते थे। चर्च क्या होते हैं? चर्च जो है ईसाई धर्म के मानने वालों का पूजा स्थल होता है। जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, वैसे जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनके पूजा स्थल को हम चर्च कहते हैं, और वहाँ के जो प्रधान पुजारी होता है उसको पोप कहते हैं, अन्य पुजारी को पादरी कहते हैं। तो पोप और पादरियों का नियंत्रण था, और इन्होंने धर्म का ऐसा माया जाल फैला रखा था समाज में, ऐसे इतने अंधविश्वास थे, इतनी कुरीतियाँ थी कि जिसमें पूरा समाज जो है यूरोपीय समाज जो है वो जकड़ा हुआ था। सामंत जो उनका शोषण कर रहे थे, चर्च भी उनसे टैक्स वसूल करता था, और इन पैसों से जो पोप और पादरी होते थे ये विलासतापूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। आगे चल करके जब यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो इन्होंने उस समय के रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर को प्रश्नचिन्ह उठाने लगे। ये उनको तर्क की कसौटी पर कसने लगे, क्या यह सही है कि नहीं है। सामंतों के और पोप के जो विशेषाधिकार थे कि वो टैक्स नहीं देंगे, वो लोगों से पैसा वसूल करेंगे, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, इस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे कि क्या एक पोप को, एक साधु सन्यासी को ऐश्वर्य से मतलब है, उसको धन संपत्ति रखनी चाहिए। तर्क बुद्धि और विवेक के आधार पर नियमों और परंपराओं को परखा जाने लगा कि यह सही है कि गलत है। और जब तर्क लगाओगे आप तो धार्मिक मान्यताएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि तर्क का मतलब विज्ञान, विज्ञान तर्क को ही तो मानता है। विज्ञान किसी चीज़ को सुने सुनाए पर विश्वास नहीं करता है, उसको प्रमाण चाहिए, प्रमाणिक व्याख्या करता है किसी चीज़ का। तो जब लोग उस समय के रीति रिवाज कुरीतियों पर प्रश्नचिन्ह उठाने लगे, जैसे मैं आज एग्जांपल बताऊं आपको कि बिल्ली रास्ता काट दे तो आप कहोगे आप सगुन है। अब जो लोग इन परंपराओं को मानते हैं वो तर्क नहीं करते हैं, लेकिन जो तर्क करेंगे कि बिल्ली रास्ता काटने से क्या आप सगुन हो जाएगा, आप सोच के देखिए, अगर तर्क आप करेंगे तो क्या इसमें कोई लॉजिक है, कोई आपको समझ में आता है बात? तो आपका उत्तर होगा नहीं, बिल्ली रास्ता काटने से कुछ नहीं होगा, छींकने से कुछ नहीं होगा, ये नैसर्गिक क्रिया है, इससे कोई अपशगुन नहीं होता है। तो जब आप तर्क करोगे तो ये मान्यताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो उसी प्रकार से जब वहाँ यूरोप के वासियों ने इन पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन वहाँ चलाया गया, तो लोगों को जागरूक किया गया, लोगों की जागरूकता बढ़ी, और जब लोगों की जागरूकता बढ़ी तो वो उस समय के रीति रिवाज, जो परंपराएं थे, जो नियम थे, उसको वो तर्क की कसौटी पर कसने लगे। और जब तर्क की कसौटी पर कसने लगे तो परिणाम हुआ सब फेल हुए, पोप का जो माया जाल था उसका नष्ट हुआ, सब खत्म हुआ, सामंतवादी व्यवस्था नष्ट हो गई, तर्क के स्वतंत्र प्रयोग के कारण वैज्ञानिक क्रांति हुई। तर्क के स्वतंत्र प्रयोग, जब व्यक्ति तार्किक हो गया तब जो है वैज्ञानिक क्रांति हुई, और जब वैज्ञानिक क्रांति हुई तब क्या हुआ, तब नए नए आविष्कार हुए, नए नए आविष्कार हुए, और जब नए नए आविष्कार हुए
बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, क्योंकि जब मशीनें बनने लगी, नए नए चीज़ें खोज हुई, तो उससे जो है उद्योग धंधों की स्थापना हुई, औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति आई। और औद्योगिक क्रांति भी सबसे पहले इंग्लैंड में ही आई थी, उद्योग धंधों का विकास हुआ। और जहाँ उद्योग धंधों का विकास हुआ वहाँ नगरीकरण हुआ। देखिए सबका एक दूसरे से रिलेशन है। वैज्ञानिक क्रांति के परिणामस्वरूप नए नए आविष्कार हुए, नए नए आविष्कार से उद्योग के क्षेत्र में क्रांति हुई, बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हुई, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, उद्योग धंधों का विकास हुआ। और उद्योग धंधों के विकास से नगरीकरण आया। नगरीकरण यानी कि जहाँ उद्योग धंधे लगेंगे वहाँ नगरों की स्थापना होगी, जनसंख्या तेजी में बढ़ेगी, वहाँ नगर बसेंगे। आप चाहे जितने भी जहाँ भी देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ नगर आपको दिखाई देंगे, और जहाँ आपको नगर रहेगा वहाँ स्वतंत्रता रहेगी। अब आ गए हम अपने पॉइंट पे। और व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम उदारवाद कहते हैं। और स्वतंत्रता कहाँ होती है? नगरों में स्वतंत्रता होती है। गाँव में अगर आपसे पूछा है गाँव में स्वतंत्रता है कि नगरों में, तो आपका उत्तर क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये आप जान लीजिए कि गाँव में स्वतंत्रता नहीं है, नगरों में स्वतंत्रता है। क्योंकि गाँव में व्यक्ति जो है वो रीत रिवाज परंपराएं समाज की मान्यताओं से बंधा हुआ है, जातिवाद के बंधन वहाँ पर हैं। आप देख लीजिए गाँव में जातिवादी मानसिकता जितनी ज़्यादा होती है शहरों में आपको नहीं देखने को मिलेगी। शहरों में आप कोई किसी से पूछता नहीं है, आप स्वतंत्र रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ उठ बैठ सकते हैं, किसी के साथ घूम सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं कौन है तुम, कौन है आप, कोई नहीं जानता। लेकिन गांव छोटा होता है, वहाँ हर व्यक्ति को जानता है, तो वहाँ पर आपको उतनी आज़ादी नहीं मिल पाएगी। नगरीकरण जहाँ होगा वहाँ स्वतंत्रता होगी, वहाँ लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, स्वतंत्रता की मांग करेंगे। तो इस तरह से पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने आगे चलकर के लोगों को तर्कशील बनाया। तर्क जब आया तो वैज्ञानिक क्रांति हुई, उसके बाद नए नए आविष्कार हुए, नए नए आविष्कारों ने उद्योग धंधों के विकास में योगदान दिया, और उद्योग धंधों के विकास के परिणामस्वरूप नगरीकरण की स्थापना हुई, और नगरीकरण के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता आई। और ये कहाँ आई? नगरीकरण सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, उद्योग सबसे पहले इंग्लैंड में लगे थे, इसीलिए इंग्लैंड को हम उदारवाद का घर कहते हैं। तो उदारवाद की मूल मान्यता क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, अब उदारवाद का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है उसके ऐतिहासिक विकास क्रम को हम देखते हैं, तो हम उदारवाद को दो भागों में बांटते हैं। उदारवाद को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक है नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, और दूसरा है सकारात्मक उदारवाद। अब हम आगे जो है नकारात्मक उदारवाद क्या होता है, सकारात्मक उदारवाद क्या है, इसको अलग अलग हम देखते हैं। नकारात्मक उदारवाद, फ्रेंड्स उदारवाद का जो स्वरूप हमको शुरुआत में इंग्लैंड में दिखाई देता है वह था नकारात्मक उदारवाद का। 16वीं-17वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। नकारात्मक उदारवाद को हम कई नामों से जानते हैं, अनेक नाम है उसके, और देखो ब्लैक बोर्ड में आपको लिखे गए हैं, और इन नामों को जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरूरी नहीं कि नकारात्मक उदारवाद शब्द का ही प्रयोग करें, इसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकता है, इनमें से जो लिखा है इन सब का प्रयोग कर सकता है वो। तो आप अगर नहीं जाने रहोगे तो आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। नकारात्मक उदारवाद को हम परंपरागत उदारवाद के नाम से जानते हैं, इसको हम शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, चिर सम्मत उदारवाद भी कहते हैं, उदात्त उदारवाद कहते हैं, अहस्तक्षेप उदारवाद कहते हैं, मुक्त बाजार उदारवाद कहते हैं, और व्यक्तिवादी उदारवाद के नाम से जानते हैं। अभी क्यों कहते हैं इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बाद इसके समर्थकों की बात करें, समर्थक भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछता है कि कौन सा जो है नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं माने जाते हैं, तो इसको अगर आप नहीं जान रहोगे तो ये क्वेश्चन कभी सही आप नहीं कर पाओगे। तो इसके समर्थकों में जॉन लॉक का नाम बहुत फेमस है, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जेम्स मिल, बेंथम, थॉमस पेन और जेफरसन, ये इसके कुछ प्रमुख समर्थक हैं जिनका नाम बोर्ड पर लिख दिया गया है। अब हम जानते हैं कि नकारात्मक उदारवाद वास्तव में होता क्या है। देखिए नकारात्मक उदारवाद को मैंने कहा कि व्यक्तिवादी उदारवाद कहते हैं, इस वर्ड को आप देखिए रहिएगा। इसके पहले व्यक्तिवाद का वीडियो आया है, मैंने कहा आपसे कहा कि यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा। यदि आपने देखा है तो आप समझ रहे होंगे व्यक्तिवादी उदारवाद इसको क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्तिवाद की जो विशेषताएं आपको बताई गई हैं
व्यक्तिवाद के जो सिद्धांत आपको बताए गए हैं वो सारे के सारे सिद्धांत और सारे की सारी विशेषताएं जो हैं वो नकारात्मक उदारवाद की हैं। इसीलिए नकारात्मक उदारवाद को हम व्यक्तिवादी उदारवाद कहते हैं, या आप सिंपल से एक वर्ड में आप कहना चाहो तो कह सकते हो व्यक्तिवाद बराबर नकारात्मक उदारवाद, व्यक्तिवाद इज इक्वल टू नकारात्मक उदारवाद। व्यक्तिवाद को हम नकारात्मक उदारवाद कह सकते हैं, नकारात्मक उदारवाद को हम व्यक्तिवाद कह सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है, हम एक नाम व्यक्तिवादी उदारवाद भी हम इसको कहते हैं। तो नकारात्मक उदारवाद क्या है? तो जो व्यक्तिवाद की विशेषताएं हैं, जो उसकी सिद्धांत हैं, वही नकारात्मक उदारवाद के भी हैं। इस पर मैं विशेष चर्चा, विस्तार से चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसका वीडियो बन चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। जो उसकी विशेषताएं हैं वो आप समझ लीजिए नकारात्मक विशेष उदारवाद की है। संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि नकारात्मक उदारवाद जो है यह मानता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, यह लेसे फेयर के सिद्धांत में विश्वास करता है। लेसे फेयर, यह अहस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करता है। ये राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, आवश्यक बुराई, और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता है, सीमित कार्य। ये नकारात्मक उदारवाद की कुछ विशेषताएं हैं। नकारात्मक उदारवाद यह कहता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वो बुद्धिमान है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। यदि उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाएगा, राज्य किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो वो अपना विकास अच्छे से कर सकता है। यह लेसे फेयर के सिद्धांत में विश्वास करता है। लेसे फेयर का मतलब होता है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसके ऊपर कोई नियंत्रण मत रखो, तो वह अपना विकास अच्छे से कर सकता है। यह अहस्तक्षेप की बात करता है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य जो है यदि व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वह विकास अच्छे से कर सकता है। राज्य को व्यक्ति के ना तो सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, धार्मिक जीवन में या फिर राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम नकारात्मक उदारवाद को अहस्तक्षेप उदारवाद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी है। यह राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, आवश्यक बुराई इसलिए कहता है, राज्य को आवश्यक भी मानता है, बुराई भी मानता है। वो बुराई इसलिए मानता है क्योंकि राज्य के जो कानून होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, ऐसा इनका मानना है। और आवश्यक इसलिए मानते हैं क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति को बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा करता है, आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखता है, इसलिए ये राज्य को आवश्यक मानते हैं। ये राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करते हैं कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, और वही राज्य अच्छा होगा जो सबसे कम कार्य करेगा। फ्रीवाइन का स्टेटमेंट है, आपको याद ही होगा कि वही राज्य सबसे अच्छा है, वो शासन सबसे अच्छा है जो सबसे कम शासन करती है, वो सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। तो ये राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करते हैं, यानी नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार राज्य के कार्य क्या होने चाहिए? तो ये कहते हैं कि राज्य का कार्य सिर्फ बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना और आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना हो है, इसके अलावा राज्य को कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, राज्य को मुक्त बाजार उदार, मतलब नकारात्मक उदारवाद जो है वो मुक्त बाजार उदारवाद भी है। इसको मुक्त बाजार उदारवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है बाजार में राज्य का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। ये बाजार को स्वतंत्र छोड़ देने की बात करता है, यानी आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की बात करता है, इसलिए इसको मुक्त बाजार उदारवाद भी कहते हैं। इसको परंपरागत उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद, चिरसम्मत उदारवाद या उदात्त उदारवाद भी कहते हैं। तो ये उदात्त, शास्त्रीय, परंपरागत, चिरसम्मत जो है ये प्राचीन का ही पर्यायवाची है। तो चूंकि उदारवाद का जो स्वरूप हमको सबसे पहले दिखाई देता है वो नकारात्मक उदारवाद होता है, इसीलिए नकारात्मक उदारवाद को परंपरागत, शास्त्रीय, चिरसम्मत या उदात्त उदारवाद के नाम से हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद का प्रारंभ जो है वो हाब्स के विचारों से शुरू हुआ और आगे चल करके लॉक के विचारों में हमें उदारवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। लॉक को हम उदारवाद का जनक मानते हैं। लॉक क्या है? उदारवाद के जनक। और इनकी एक पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ऑन गवर्नमेंट। इस पुस्तक को उदारवाद का बाइबिल कहा जाता है। लॉक को उदारवाद का जनक
और टू ट्रीज ऑन गवर्नमेंट, ये पुस्तक बहुत पूछता है, किसका पुस्तक है, लॉक का है, और इसी पुस्तक को उदारवाद की बाइबल कहा जाता है, यानी उदारवादी जो है इस पुस्तक को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि लॉक को उदारवाद का जनक हम क्यों मानते हैं। लॉक को फ्रेंड्स उदारवाद का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि उदारवाद का जो मूल है, मूल मंत्र है, वो क्या है, स्वतंत्रता। और लॉक जो है पहला विचारक था जिसने स्वतंत्रता और संपत्ति, ये दोनों जो है वो उदारवाद के सिद्धांत में आते हैं। स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार कहा। लॉक ने तीन प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना की है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को, कि व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति जो है इसको जो है उससे छीना नहीं जा सकता है। और उदारवाद भी यही कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता उसको कोई नहीं छीन सकता है। ये कहता है कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, यानी जो संपत्ति होनी चाहिए वो किसी न किसी व्यक्ति के अधीन होनी चाहिए। तो संपत्ति की और स्वतंत्रता की बात उदारवाद का मूल है और इसी बात को लॉक कहते हैं और सबसे पहले कहते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की इनकी संकल्पना को आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि लॉक ने तीन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा और ये अधिकार जो है वो राज्य में भी व्यक्ति को मिले हुए हैं, राज्य भी इनको नहीं छीन सकता। और अगर राज्य जो है इनकी रक्षा नहीं करता है प्राकृतिक अधिकारों को, तो जनता को ये अधिकार देते हैं कि वो राज्य को ही बदल दें। तो प्राकृतिक अधिकारों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का लॉक जो है बड़ा प्रबल समर्थन करते हैं और इसका समर्थन करने के कारण ही इनको उदारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इस सिद्धांत को आगे ले गए रूसो, टॉमस पेन और जेफरसन और उपयोगितावादी विचारकों में बेंथम, जेम्स मिल, इन लोगों ने इस उदारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। आप उपयोगितावाद को देखे होंगे, उपयोगितावाद के जनक जो है बेंथम माने जाते हैं। तो उपयोगितावाद का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी राज्य का कार्य क्या है, वो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना है। अगर राज्य के कार्य व्यक्ति की ऐसा करने में असमर्थ हैं, यदि राज्य के कार्य जो है कोई ऐसा कानून है जो व्यक्ति की सुख में बाधा उत्पन्न करता है तो वो कानून अमान्य होगा। तो इस तरह से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो मूल मंत्र है वो नकारात्मक उदारवाद की ही अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से फ्रेंड नकारात्मक उदारवाद जो है वो 16वीं 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक रहा। इसका जो समय काल रहा है वो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक रहा है और इस काल में इसकी कुछ उपलब्धियां भी रही हैं। अमेरिका का जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र था 1776, फ्रांस की क्रांति 1789, ये कहीं ना कहीं जो दोनों क्रांतियां हुई, अमेरिका क्रांति और फ्रांस की क्रांति, ये नकारात्मक उदारवाद से ही प्रभावित थी। फ्रांस की क्रांति रूसों की विचारधारा से प्रभावित थी। तो इस तरह से यह जो है ये नकारात्मक उदारवाद की कुछ उपलब्धियां रही हैं। इन्होंने अमेरिका में और फ्रांस में एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग दिया। तो फ्रेंड्स यह था नकारात्मक उदारवाद, और इसके बारे में विस्तार से जानना है तो व्यक्तिवाद का वीडियो आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सकारात्मक उदारवाद को। तो फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नकारात्मक उदारवाद अपने चरम उत्कर्ष पर था। विश्व के अनेक देशों में इस सिद्धांत को, इस विचारधारा को अपनाया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते इसकी कमियां जो है उजागर होने लगी। जब अहस्तक्षेप के सिद्धांत को राज्य के सीमित कार्यों को व्यवहार में लाया गया तो इससे जो है समाज में आर्थिक असमानता बढ़ गई। नकारात्मक उदारवाद यही तो कहता था कि व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को केवल सीमित कार्य दिया था, इसने केवल सुरक्षा का कार्य दिया गया कि बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करिए, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखिए, इसके अलावा कुछ मत करिए। तो जब इसको राज्य करने लगा, व्यक्ति के जीवन में, समाज में किसी भी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं हुआ तो परिणाम ये हुआ कि आर्थिक असमानता फैल गई। आर्थिक असमानता का मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है बहुत लंबी हो गई। समाज में पूंजी जो है कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ गई, इन्हें हम पूंजीपति कहते हैं, और अधिकांश लोग गरीब रह गए। यानी समाज जो है दो वर्गों में बढ़ गया, एक पूंजीपति जिनकी संख्या बहुत थोड़ी थी और दूसरा जन सामान्य व्यक्ति जो कि एकदम निर्धन था, लाचार था। नकारात्मक उदारवाद ने जो सपने लोगों को दिखाए थे कि स्वतंत्रता, विकास, कि यदि राज्य जो है व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो व्यक्ति को स्वतंत्र रहेगा तो खूब विकास कर लेगा, वास्तव में वैसा दिखा नहीं। विकास हुआ पूंजीपतियों का हुआ,
धनिकों का हुआ, गरीब जनता गरीब होती चली गई। तो परिणाम ये हुआ कि इस पूंजीवादी की व्यवस्था के विरोध में जो है वो मार्क्सवाद का उदय हुआ। इसके विरोध में जो है किसका उदय हुआ? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जो विचारधारा थी ये पूंजीवादी के विरोध में उत्पन्न हुई विचारधारा है, या कह सकते हैं नकारात्मक उदारवाद के विरोध में यह विचारधारा उत्पन्न हुई, या व्यक्तिवाद के विरोध में उत्पन्न हुई। इसने जो है पूंजीवाद की जो बुराइयां थी उसको जन सामान्य तक पहुंचाया कि इस सिद्धांत को अपनाने से क्या क्या बुराइयां आई, किस तरह से धन संपत्ति लोगों के पास चली जा रही है और लोगों का शोषण हो रहा है। तो जब मार्क्सवाद ने इसकी बुराइयों को जन सामान्य तक पहुंचाया तो नकारात्मक उदारवाद जो है लोगों की नजरों से गिर गया, लोग इससे हटने लगे। अब परिणाम तब ये हुआ कि नकारात्मक उदारवाद ने अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने सिद्धांतों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। बहुत बड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखना, अभी ये आमूलचूल परिवर्तन था, इसने अपने सिद्धांत को ही बदल दिया पूरी तरह से। अब नकारात्मक उदारवाद ने अपने सिद्धांतों में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत को जोड़ दिया, राष्ट्रवादी और समाजवादी सिद्धांतों को लेकर यह आगे बढ़ा। और जब इस रूप में आगे बढ़ा तब जो उदारवाद हमारे सामने आता है वो सकारात्मक उदारवाद के रूप में आता है। इसीलिए मैकबर्ग ने यहाँ लिखा है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद जो है दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। यानी व्यक्तिवाद में, यानी नकारात्मक उदारवाद में जब लोकतंत्र के गुण को मिला दिया गया तब ये बन गया सकारात्मक उदारवाद। यानी सकारात्मक उदारवाद बराबर लोकतंत्र प्लस व्यक्तिवाद। सकारात्मक उदारवाद को हम कई नामों से जानते हैं, आधुनिक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद को हम प्राचीन उदारवाद या परंपरागत उदारवाद कहते थे, ये नई विचारधारा थी इसलिए इसको हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं, इसको हम संशोधनात्मक उदारवाद कहते हैं क्योंकि इसने नकारात्मक उदारवाद में सिद्धांतों में कुछ संशोधन करके नए सिद्धांत जोड़े गए, इसलिए इसको हम संशोधनात्मक उदारवाद भी कहते हैं, इसको सुधारवादी उदारवाद भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसने नकारात्मक सिद्धांत उदारवाद की जो सिद्धांत थे उसमें सुधार करके कुछ नए सिद्धांतों को जोड़ा, तो इसलिए इसको संशोधनात्मक या सुधारवादी उदारवाद भी कहते हैं। इसको सामाजिक उदारवाद कहते हैं क्योंकि यह समाज में सब व्यक्तियों को लेकर चलने की विचारधारा का इसमें समावेश किया गया। इसको लोक कल्याणकारी उदारवाद भी कहते हैं क्योंकि इसके जो सिद्धांत थे वो लोक कल्याण पर बल देते हैं। अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि इसके कौन सिद्धांत हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसको लोक कल्याणकारी क्यों कहते हैं, इसको सामाजिक उदारवाद क्यों कहते हैं। इसके समर्थकों की बात कहूं तो इसके समर्थकों में जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आता है, जेम्स मिल नहीं आएंगे। जेम्स मिल नकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। ग्रीन का नाम आएगा, हाफ हाउस, लास्की, जी डी रिसे, मैकाइवर, लिंडसे, बार्कर और कोल। अब देखिए फ्रेंड्स, नकारात्मक उदारवाद, इसको थोड़ा मिटा दें, नकारात्मक उदारवाद जहां जो है अहस्तक्षेप की बात करता था, अहस्तक्षेप और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता था, यही तो मैंने आपको बताया, राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करता था। अब जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद में? नकारात्मक उदारवाद कहता था कि राज्य को के जो है व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को सीमित कार्य करना चाहिए, केवल सुरक्षा का कार्य करना चाहिए, पुलिसमैन का कार्य करना चाहिए। लेकिन सकारात्मक उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य अगर चाहे तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकता है। अभी तक देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। अभी तक जहां उदारवाद जो है ये कहता था नकारात्मक उदारवाद कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, लेकिन सकारात्मक उदारवाद ये कह रहा है कि राज्य को व्यक्ति के कल्याण के लिए उसके जीवन के किसी भी पक्ष में सही हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है तो वो कर सकता है। और ये राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन नहीं करता है बल्कि राज्य के व्यापक कार्यों का समर्थन करता है कि राज्य को जनता की भलाई के लिए जितने अधिक से अधिक काम हो सके वो उसको करना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उदारवाद ने अपने सिद्धांतों में कर लिया, और इसी से आगे चल करके उदारवाद के इन्हीं सिद्धांतों से आगे चल करके लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। सकारात्मक उदारवाद, देखिए जब व्यक्तिवाद में, व्यक्तिवाद का हो चाहे नकारात्मक उदारवाद का हो,
में लोकतंत्र मिला दिया गया, यानी लोकतांत्रिक गुणों का मेल हो गया, तब क्या बन गया? सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, ठीक है। और जब उदारवाद में समाजवाद को मिला दिया गया, समाजवाद को, तो बन गया लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। दोनों को आप समझिए ध्यान से। मैंने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्भव हुआ है वो सकारात्मक उदारवाद से ही हुआ है। आगे जब लोक कल्याणकारी राज्य में आप पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो सकारात्मक उदारवाद से ही लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त होता है, उदय का। व्यक्तिवाद और लोकतंत्र, इसको मिला लोगे तो सकारात्मक उदारवाद हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा भी गया है दोनों क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है कि व्यक्तिवाद में जब लोकतंत्र मिल जाएगा, यानी सकारात्मक उदारवाद क्या है? व्यक्तिवाद और लोकतंत्र का मिश्रण है। व्यक्तिवाद कहो चाहे नकारात्मक उदारवाद कहो, दोनों बात एक ही है। और उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? ये उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है, यानी उदारवाद प्लस समाजवाद बराबर लोक कल्याणकारी राज्य। तो देखिए फ्रेंड्स, उदारवाद ने यद्यपि के अपने स्वरूप में बहुत व्यापक परिवर्तन किया, लेकिन इसका लक्ष्य अब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता लक्ष्य इनका अब भी है, केवल लक्ष्य प्राप्ति का साधन बदल गया है। पहले ये हस्तक्षेप के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, अब ये हस्तक्षेप के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य जो है, अगर उदारवाद का मूल मंत्र कहा जाए, स्वतंत्रता तब भी था नकारात्मक उदारवाद में और सकारात्मक उदारवाद में भी है, यानी लक्ष्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है, बस प्राप्ति के साधन बदल गए। अब देखिए, यहां मैं एक चीज और बता दूं आपको कि उदारवाद व्यक्तिवाद में क्या अंतर है। अब देखिए, यही आपको एक बारीक लाइन में बता दे रहा हूं, क्या उदारवाद, जैसा कि मैंने कहा कि उदारवाद व्यक्तिवाद में कोई अंतर है या नहीं, या दोनों एक ही हैं? तो जब से उदय हुआ 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक, सदी के मध्य तक नकारात्मक उदारवाद और व्यक्तिवाद जो है वो एक दूसरे के समानार्थी थे। दोनों की विचारधाराएं, दोनों के सिद्धांत सब सेम थे, यानी यहां तक लेकर के नकारात्मक उदारवाद बराबर व्यक्तिवाद, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी थे। लेकिन जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1848 के बाद जब इनकी आलोचना होने लगी, तो व्यक्तिवाद भी अपने आपको बदला और नकारात्मक उदारवाद ने भी अपने आप को बदला। उदारवाद, इन दोनों ने अपने सिद्धांतों में परिवर्तन किए। व्यक्तिवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर समूहों की स्वतंत्रता की बात की, समूहों की स्वतंत्रता की बात की। और आधुनिक व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाने लगा, आधुनिक व्यक्तिवाद। और नकारात्मक उदारवाद ने हस्तक्षेप और जनकल्याण की बात कही, जनकल्याण। देखिए, व्यक्तिवाद जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद, ये जो है समूहों की स्वतंत्रता पर बल देने लगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर इसने समूहों की स्वतंत्रता की बात की, और ये बहुलवाद के निकट पहुंच गया, बहुलवादी विचारधारा को इसने अपना दिया, और ये आधुनिक व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन नकारात्मक उदारवाद ने बहुलवाद को नहीं अपनाया, बल्कि इसने क्या किया, इसने ये कहा कि व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना पड़े तो वो कर सकता है। तो ये इसने क्या किया, ये जनकल्याण की तरफ मुड़ गया, जनकल्याणकारी राज्य की तरफ मुड़ गया राज्य, और सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाने लगा सकारात्मक उदारवाद के नाम से जाने लगा। व्यक्तिवाद बन गया आधुनिक व्यक्तिवाद, नकारात्मक उदारवाद बन गया सकारात्मक उदारवाद। व्यक्तिवाद ने समूहों की स्वतंत्रता की बात कही, और ये बहुलवाद के सिद्धांतों को अपना रहा, क्योंकि बहुलवाद भी समूहों की स्वतंत्रता की बात करता है। और ये नकारात्मक उदारवाद ने हस्तक्षेप के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, और ये जनकल्याणकारी राज्य की तरफ मुड़ गया। तो ये दोनों में जो था वो बारीक अंतर था। आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब आपको व्यक्तिवाद और उदारवाद के बीच की जो बारीक लाइन थी, जो अंतर था, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सकारात्मक उदारवाद की जो शुरुआत होती है वो जॉन स्टुअर्ट मिल से होती है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है पहला विचारक था जिसने पूंजीवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात को स्वीकार करता है। किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में। यानी वो कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। केवल आर्थिक क्षेत्र की बात करता है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं। ये केवल आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात स्वीकार करता है, इसीलिए इसका नाम सकारात्मक उदारवादियों में आता है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद ग्रीन के विचारों में हमें सकारात्मक उदारवाद की पूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई देती है। पूर्ण अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि ग्रीन जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल के बाद जो ग्रीन विचारक हुआ, उसने जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की बात को स्वीकारा। उसकी आप स्वतंत्रता की परिभाषा देखोगे तो ग्रीन ने क्या लिखा है, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने का नाम है जो करने तथा उपभोग करने योग्य हैं। यानी मनमानी कार्य करने को हम स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। स्वतंत्रता क्या है? तो उसने कहा ऐसा कार्य जो करने और उपभोग करने योग्य हैं। इस वर्ड को देखिए, यानी जो कार्य करना योग्य है, जिसको सामाजिक दृष्टि से उचित ठहराया जा सकता है, उसी कार्य को करना ही स्वतंत्रता है। मनमानी कार्य को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं। इस तरह से आप देखोगे तो सकारात्मक उदारवाद की पूर्ण अभिव्यक्ति हमको ग्रीन की विचारों में दिखाई देती है। इसके अलावा तीन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ग्रीन ने कहा कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। तीन बुराइयां कौन को बताया उसने? अज्ञानता, दरिद्रता और नशाखोरी। तीसरा, नशाखोरी को महायान भी कहते हैं। ग्रीन कहता है कि अज्ञानता, दरिद्रता और नशाखोरी को दूर करने के लिए राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये हस्तक्षेप की बात करता है सकारात्मक उदारवाद की। इसके अलावा इसने राजनीतिक कृतज्ञता का एक सिद्धांत दिया। राजनीतिक कृतज्ञता, यह पूछा हुआ प्रश्न है कि राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसका है? ग्रीन का है। तो राजनीतिक कृतज्ञता क्या होती है? राजनीतिक कृतज्ञता का मतलब होता है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य सामान्य हित को बढ़ावा देना है, और सामान्य हित का जो विचार है वही राजनीतिक कृतज्ञता है। तो सामान्य हित को बढ़ावा देना इतना मतलब लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना है, और लोगों को कल्याण करने का मतलब है कि राज्य के व्यापक कार्यों का समर्थन करते हैं ग्रीन। तो राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने दिया? ग्रीन ने दिया। किन तीन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ग्रीन जो है व्यक्ति के जीवन में सीधे हस्तक्षेप की बात करते हैं? तो अज्ञानता, दरिद्रता और नशाखोरी को। राजनीतिक कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? कि राज्य को सामान्य हित में कार्य करना चाहिए, सामान्य हित के ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो सामान्य हित का जो विचार है वो राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जिस सकारात्मक उदारवाद की शुरुआत जॉन स्टुअर्ट मिल से हुई, उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो हाफ हाउस ने भी किया। हाफ हाउस ने अपनी पुस्तक थी एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता क्या है। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता की आधारशिला सामाजिक बंधन की आध्यात्मिक प्रवृत्ति और सर्वहित का युक्त स्वरूप है। यानी स्वतंत्रता क्या है? सामाजिक बंधन, यानी सामाजिक बंधन में रहना और सबकी भलाई के लिए कार्य करना, यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी भलाई या हस्तक्षेप की बात। ये वही लिखे हैं कि स्वतंत्रता की आधारशिला क्या है? सामाजिक बंधन की आध्यात्मिक प्रकृति और सर्वहित का युक्त स्वरूप है। तो ये भी जो है हस्तक्षेप की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं हाफ हाउस, इसलिए ये सकारात्मक उदारवादियों में आते हैं। सकारात्मक उदारवाद की हमें पूर्ण उत्कर्ष जो है वो लास्की के विचारों में फ्रेंड्स दिखाई देता है। लास्की कहते हैं कि आधुनिक राज्य जो है वो जन कल्याण के बहुत सारे कार्य जो है अपने हाथों में लेता है। वो निर्धन वर्ग को वही सुविधाएं प्रदान करता है जो धनी वर्ग जो है अपने आप जुटा लेता है। तो एक तरह से ये जन कल्याण की बात करते हैं, राज्य के व्यापक कार्यों का समर्थन करते हैं, और व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की बात को स्वीकारते हैं। तो इस तरह से लास्की के बाद जितने और विचारक थे, चाहे वो जीडी रिसे हो, मैकाइवर हो, लिंडसे हो, बार्कर हो, कोल हो, सब ने अपने विचारों में सकारात्मक उदारवाद की बात कही, जन कल्याण की बात कही।
राज्य की व्यापक कार्यों की चर्चा की। तो फ्रेंड्स, ये था सकारात्मक उदारवाद का विकास, और अब हम देख लेते हैं सकारात्मक उदारवाद की विशेषताओं को। तो फ्रेंड्स, ये है सकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं। इसमें हम आपको सकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं बताते चलेंगे, और साथ ही साथ नकारात्मक उदारवाद से ये किस तरह से अलग है इसको भी हम आपको दिखाते चलेंगे। तो देखिए, सकारात्मक उदारवाद की जो पहली विशेषता है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और खुले समाज पर यह बल देता है। मैंने कहा कि उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता इसका मूल मंत्र है। चाहे व्यक्तिवाद हो चाहे उदारवाद, दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। तो सकारात्मक उदारवाद का लक्ष्य भी है व्यक्ति की स्वतंत्रता, केवल लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बदल गया। तो ये इनकी पहली विशेषता क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, उसके अधिकारों पर और खुले समाज पर यह सिद्धांत जो है, यह विचारधारा जो है वो बल देती है। दूसरा जो है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि यदि सार्वजनिक कल्याण के लिए राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना पड़े, उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना पड़े, तो उसको करना चाहिए। जबकि नकारात्मक उदारवाद इनके विपरीत था, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। तो ये दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। तीसरा है, मुक्त बाजार के स्थान पर मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल। नकारात्मक उदारवाद मुक्त बाजार का व्यवस्था का समर्थन करता है। मुक्त बाजार व्यवस्था क्या होती है? मुक्त बाजार व्यवस्था का मतलब है कि राज्य को आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाजार जो है, आज देखिए, बाजार को राज्य नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कोई व्यक्ति मनमाना किसी चीज़ का दाम वसूल नहीं कर सकता है। लेकिन व्यक्तिवादी या नकारात्मक उदारवादी ये कहते थे कि राज्य को बाजार व्यवस्था में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ का मूल्य क्या तय होगा इसको राज्य तय नहीं करेगा, बल्कि उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे उसकी डिमांड रहेगी उसी हिसाब से उसका मूल्य तय हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वही है मुक्त बाजार व्यवस्था। यानी मुक्त बाजार व्यवस्था का मतलब है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में, बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस बात को नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवादी मानते थे। जबकि सकारात्मक उदारवादी क्या कहते हैं कि मुक्त बाजार व्यवस्था के स्थान पर ये कहते हैं कि मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं, कि बाजार को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुला छोड़ देना चाहिए, जितना जो चाहे प्रॉफिट कमा ले। तो कहें कि अगर बाजार को नियंत्रित नहीं करेंगे तो परिणाम वही होगा जो व्यक्तिवादी विचारधारा को या नकारात्मक उदारवाद को अपनाने के बाद हुआ। जब राज्य ने बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं किया तो परिणाम ये हुआ कि संपत्ति कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो गई, बाकी लोग निर्धन हो गए। तो इसीलिए सकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि मुक्त बाजार व्यवस्था के स्थान पर राज्य को नियंत्रित बाजार व्यवस्था अपनाना चाहिए। यानी बाजार में राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। अगला है, समाज के हर क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की बात करते हैं। सकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि राज्य को समाज कल्याण के नाम पर, व्यक्ति के कल्याण के लिए उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। जबकि व्यक्तिवादी या नकारात्मक उदारवादी ये कहते थे कि राज्य को व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों के सिद्धांतों में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगला है, कल्याणकारी राज्य का समर्थन। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य जो जनता के व्यापक कल्याण के लिए कार्य करता है। नकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य के खिलाफ था। उसका काम था कि राज्य को बहुत कम कार्य करना चाहिए। राज्य का कार्य केवल पुलिसमैन का होना चाहिए, राज्य का कार्य केवल सुरक्षा करने का होना चाहिए, राज्य का कार्य केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अलावा राज्य को जन कल्याण का कोई कार्य नहीं करना है। लेकिन सकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि राज्य को जन कल्याण के कार्य करना चाहिए, निर्धन अपंग लोगों के, असहाय लोगों के उत्थान के लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो ये दोनों में नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद में बहुत बड़ा अंतर हमको दिखाई देता है। अगला है, स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी नहीं। नकारात्मक उदारवादी ये कहते थे कि कानून और स्वतंत्रता दोनों विरोधी हैं। यानी कानून जितने ज़्यादा होंगे स्वतंत्रता व्यक्ति की उतनी कम हो जाएगी। इसीलिए वो राज्य को कम कार्य देने चाहते हैं, राज्य की सीमित कार्यों का समर्थन करते हैं। किस लिए? कि राज्य की कानून जितने ज़्यादा होंगे, राज्य जितना ज़्यादा शासन करेगा, व्यक्ति जो है स्वतंत्रता उतनी कम होती चली जाएगी। लेकिन सकारात्मक उदारवादी ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और कानून विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जितने कानून रहेंगे, कानून ही हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
तो ये सकारात्मक जो उदारवादी हैं वो स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी नहीं मानते बल्कि एक दूसरे के पूरक मानते हैं उसको, ठीक है। सकारात्मक उदारवाद की अगली विशेषता है कि पूंजीपतियों पर अधिक टैक्स लगाकर जनकल्याण को बढ़ावा दिया जाए। सकारात्मक उदारवादी ये कहते हैं कि जिसके पास जितना पैसा रहेगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। पूंजीपतियों के पास बहुत पैसा है तो इनको ज़्यादा टैक्स लीजिए और इस पैसे से का उपयोग जो है जनता की भलाई के लिए कीजिए, जो कि नकारात्मक उदारवाद नहीं मानता है। अगला है स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक। नकारात्मक उदारवाद जो है स्वतंत्रता और समानता को पूरक नहीं मानते हैं, जबकि सकारात्मक उदारवाद ये मानता है कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों की विचारधारा में अंतर आपको दिखाई देगा। अगला है कि राज्य अधिकारों को मर्यादित कर सकता है। नकारात्मक उदारवाद में आपने देखा है कि लॉक के विचारों को आपने पढ़ा होगा, वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करता है, और वो नकारात्मक उदारवादी है। वो ये कहता है कि व्यक्ति को जो अधिकार मिले हुए हैं राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन सकारात्मक उदारवादी कहते हैं कि यदि जन कल्याण के लिए समाज में मर्यादा बनाए रखने के लिए यदि व्यक्ति के अधिकारों को मर्यादित करना पड़े, उसको नियंत्रित करना पड़े, तो राज्य को ऐसा करना चाहिए। अगला है देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता के मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल। मैंने कहा कि नकारात्मक उदारवाद यानी व्यक्तिवाद ने जब लोकतंत्र के गुण को अपनाया तब वो जाकर के सकारात्मक उदार बन पाया। तो देखिए, लोकतंत्र के ये गुण आपको सकारात्मक उदारवाद में दिखाई देंगे। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में रहते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो लोकतंत्र की विशेषता है। जनता के मूल अधिकारों को समर्थन करते हैं ये, कि जनता को अधिकार मिले होने चाहिए और राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा राजनीतिक दल रहेंगे तो लोगों के पास विकल्प होगा और जब विकल्प जहाँ होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। तो इस तरह से ये तीन को मैंने एक लाइन में कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये लोकतांत्रिक गुणों को जिसको कि सकारात्मक उदारवाद ने अपनाया, यह भी सकारात्मक उदारवाद की एक विशेषता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा उदारवाद क्या होता है, उदारवाद के कितने रूप दिखाई देते हैं, व्यक्तिवाद उदारवाद के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपने इसको अच्छे से देखा है और अच्छे से समझा है तो मेरा ये दावा है कि परीक्षा में इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।